इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि मेरा नाम जैन खान दुरानी है, कश्मीर की पैदाइश है, यहाँ पला बड़ा हूँ, बर्न हॉल में मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बाद दिल्ली चला गया, उसके बाद बॉम्बे चला गया अपने काम के लिए। अभी अभी हमारी सीरीज़ आई है, उसका नाम मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई है, Zee5 पे प्रीमियर हुई है 11 नवंबर को। सीरीज़ को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सीरीज़ एक स्पाई की कहानी है, बट आपको एक स्पाई की कहानी जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। एक बहुत इंसानी कहानी, एक वाकई में एक इंसान एक ह्यूमन लेवल पे, इंसानी सतह पे एक इंसान के साथ क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ना सिर्फ वो जो तमाम लोग उसकी ज़िंदगी में मुलव्वस होते हैं उनकी क्या कुर्बानियाँ होती हैं, उसके बारे में कहानी। क्या रोल है? मैं सीरीज़ का लीड प्ले कर रहा हूँ। मैं जो स्पाई है जिसका नाम हरफन बुखारी है, वाकई में उसका नाम कामरान बख्श होता है, कश्मीर का है, यतीम है और कश्मीर से उसको दिल्ली ले जाया गया, बचपन में ही वहीं पाला गया, वहीं बढ़ाया गया। एक बड़ा चलाक लड़का है, सीधा साधा है लेकिन चलाक है। बहुत ज़्यादा बड़े अरमान नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला लेता है वो। उसकी चलाक की वजह से उसको देखा जाता है, उठाया जाता है एक तरीके से सड़क से और कहा जाता है तुम हमारे लिए काम करके आओ पड़ोसी मुल्क में जाके। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फॉर्मली उसको तैयार नहीं किया गया इस काम के लिए, इसलिए उसको भेजा जाता है ताकि उसको इजीली साइट ना किया जाए, एकदम पकड़ ना दिया जाए कि ये ऐसा हो सकता है। तो किस तरीके से वो वहाँ जाके काम अंजाम करता है, अपने मिशन को बाय तकमील तक पहुँचाता है। पहली बात तो कश्मीर के बारे में ख़ास तौर पर ये कहानी नहीं है, कश्मीर का एक एंगल है इसमें, आप कह सकते हैं कश्मीर की एक छोटी सी इन्वॉल्वमेंट है, बट बाकी में तो ये कहानी एक लार्जर एस्पेक्ट पे बनाई गई है, आप देखेंगे। और इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे ऐसी कहानियाँ बनाई तो जाती हैं, ऐसी स्टोरीज़ बनाई तो जाती हैं, लेकिन इसकी तरीके से, इसके जाविये नज़र से, इसको देखने के तरीके से बहुत कम बनाया जाता है। जो एक बहुत इंसानी नज़रिया है जो किसी भी मुल्क से हो सकता है, आप किसी भी जगह से हो सकते हैं, लेकिन आखिर में ये उस इंसान की कहानी है, वो इंसान कहीं का भी हो सकता था, वो उसकी कुर्बानी क्या है, उसकी कहानी क्या है, आपको वो देखने को मिलेगा, ना कि इसको आप किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में या किसी को नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाया गया, नहीं। हिस्टोरिकली हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे चले हैं, उनको मुद्दा बनाया और उसके अराउंड हमने एक कहानी बनी है जिसकी ये वेब सीरीज। हमने शुरुआत बॉम्बे से की, उसके बाद हम अमृतसर गए, फिर हम पटियाला गए और उसके बाद मनाली, अमृतसर में हमने वाघा, नाभा, ऐसी कई जगहों पर शूट किया। तो कश्मीर में अफसोस ये हुआ मेरा कि बड़ा पहले से प्लान था कि कश्मीरी में जो कश्मीर का पोर्शन है वो कश्मीर में शूट हो, लेकिन कई वजूहत की वजह से, कोविड वगैरह तमाम चीज़ें, रेगुलेशन ये वो, उसकी वजह से कश्मीर में शूट नहीं हुआ। कश्मीरी आपको एक दो आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे इसमें, आप उनको उनका काम बड़ा सराहेंगे और देखेंगे, बड़ा बेहतरीन काम किया तमाम लोगों ने जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सीरीज़ में। उसके अलावा प्रकाश राज हैं, आदिल हुसैन हैं, बरखा बिष्ट हैं, जोया अफरोज़ हैं, बड़े ही मंझे हुए कलाकार हैं, दिलीप शंकर हैं, हर्ष छाया हैं, अतुल कुमार हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस सब में मुलव्वस हैं। बहुत फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से, यहाँ बहुत टैलेंट है। और ये एक और एस्पेक्ट है ना रोज़गार हासिल करने का, तो कई लोग जिनका दिल इसमें है, जिनको इसमें, इस इंडस्ट्री में या फिर अपनी आर्ट्स में या कंटेंट में काम करना है, वो कई लोग भरे पड़े हैं कश्मीर में जो ऐसा काम करना चाहते हैं। तो जितना यहाँ काम आएगा, जितना हम अपनी कहानियाँ बोलना शुरू करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ की भी बढ़ेगी। आप देखें, पंजाब की अपनी इंडस्ट्री है, साउथ की अपनी इंडस्ट्री, बंगाल की अपनी एक इंडस्ट्री है जो फिल्म की है, साउथ में आप जाएंगे कनाडा, तमिल, तेलुगू, मलयालम, सारी तमाम की अपनी अपनी एक इंडस्ट्री है जो बड़ी एक प्रॉस्परस इंडस्ट्रीज़ हैं और वहाँ वो बहुत इनकम और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ बोलने को है। तो जितनी हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना यहाँ रोज़गार आएगा, उतना लोगों को मौाक़े मिलेंगे काम करने के, अपना टैलेंट पेश करने के लिए। बड़ी ज़हीन कौम है हम। कितने एपिसोड्स हैं और कितना? 8 एपिसोड्स हैं, 36 से 40 मिनट के। वो आपको Zee5 पे प्रीमियर हो चुके हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा?
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से लोगों ने बड़ा सराहा सीरीज़ को, बहुत पसंद किया है हर एस्पेक्ट से, स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, गाने बड़े इसके मकबूल हुए हैं, तो तमाम जो हमारे को हमारे सीरीज़ को रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा मिला है। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है इस हमारी, ना सिर्फ देखें आखिर में हम पहले भी यहाँ बहुत शूट्स होते थे, आप 60s देखें, 70s देखें, बहुत शूट होता था, बहुत लोग आते थे, एक इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट करती थी, उसको फिर से एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए बड़ी कारगर साबित होगी फिल्म पॉलिसी।